है ना। आप कृषि नर्सरी में हम लोग उद्यमिता की ट्रेनिंग, कृषि उद्यमी जो आप लोग कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में, सभी लोगों का कुछ ना कुछ व्यापार भी है, लेकिन आप सभी लोग चाहते हैं कि खाने की चीज़ें, ये कृषि की वस्तुएं आपकी अपने अपने घर की हो, है ना। और हम पैसा भी कमाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोशिश खाली करेंगे तो हमें पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी फार्म हाउस आप लोग बनाते हैं, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है। जिनके पास बिल्कुल कम ज़मीन है, यदि उनके पास आमदनी का दूसरा स्रोत है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपने खाने के लिए जो भी उगाते हैं, आप सब्जियां फल उगाते रहिए। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो हमारे पास इस प्रकार का प्रबंधन होना चाहिए कि हमें प्रतिदिन हमारे घर में पैसा हमें आता रहे, तभी तो खर्चा आपका चल पाएगा आज की महंगाई में। तो ये जो उद्यानिकी का क्षेत्र है, हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र है, इसमें आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें पहली बात तो ये, एक सब्जी उत्पादन के लिए आप लोग काम करते हैं, तो सब्जी उत्पादन का, तो सब्जी उत्पादन का काम आप किस प्रकार से करें उसमें आपको पैसा मिले, है ना। तो किस प्रकार से आपको नर्सरी बनाना है, जैसे कोई पौधा आप उगाते हो या उसके बीज लाते हो, काफ़ी महंगे हाइब्रिड बीज मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते, तो हम उनके बीजों को कैसे उगाएं कि बीज कम से कम बर्बाद हो और अधिक से अधिक पौधे हम तैयार कर पाएं। तो पहला इस क्षेत्र में व्यापार तो हमारे लिए ये है कि एक तो नर्सरी का व्यापार कर सकते हो, सब्जियों की नर्सरी का। यहाँ सब्जी मंडी सीधी में जो लोग सब्जी के पौधे बेचते हैं, सड़ा सड़ा सब्जी का बीज जो किलो के भाव से बिकता है, मिलता है, उसी की नर्सरी उगा देंगे, वही बेचते रहते हैं। और पता लगा कि जब बैंगन हुआ तो इतने बड़े बड़े बैंगन आपको बाजार वाला होता है, देखे को नहीं देखे हुए, है ना। तो तीन चार लेडीज हो जाएँ, लड़कियाँ हो जाएँ, या चार पाँच लोगों का समूह, जो आप लोग समूह में यदि काम करते हैं, यदि आप राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM के यदि लोग हैं आप लोग, तो छोटे ग्रुप में भी मिल करके आप लोग अपने नर्सरी का उत्पादन कर सकते हैं। पौधे आप तैयार करिए, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से कंपनी के बीज जो हैं अच्छे होते हैं सब्जियों के, चाहे बैंगन हो, मिर्च हो, टमाटर हो, इनके बीज अच्छे होते हैं, आपको मैं ये बता दूंगा, है ना। तो वो बीज आप वहाँ से खरीद लो। यदि आप ज़्यादा मात्रा में खरीदते हो आप, तो आपको और सस्ता पड़ता है। जैसे बैढ़न में तारा बीज भंडार है, कौन सा है, बैढ़न में तारा बीज भंडार है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, वहाँ भी बड़ा अच्छा बीज मिलता है। सीधी में भी कई दुकानें हैं, वहाँ भी बीज बढ़िया मिल जाते हैं, है ना, आसपास। तो इनके बीजों को आप खरीद करके आप अपनी नर्सरी को डालिए, है ना। आप साधारण भी नर्सरी डाल सकते हैं, और जो कोकोपीट होता है, कोकोपीट बर्मी कुलाइट, तो इसको हम तरीका बताएंगे कैसे आपको वहाँ भी पौधे आपको तैयार करना है, कोकोपीट में कैसे तैयार करना है। एक प्लास्टिक ट्रे आती है ना, तस्तरी जैसे होती है चाय वाली, उसी में छेदा रहता है गोल 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 गोल, तो उसमें हमें कोकोपीट होता है, बर्मी कुलाइट होता है, बर्मी कंपोस्ट गोबर केचुए वाली खाद मिला करके उसे हमें डालना पड़ता है। उसमें एक एक बीज हम डालते हैं, 100 बीज डालोगे तो 99 बीज उगेगा ही उगेगा, है ना। उसमें हम कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं, वो पौधा सीधा बिक जाता है, है ना। उसमें उगाने से एक तो फ़ायदा ये है कि बीज हमें कम लगता है, मैनेजमेंट प्रबंधन बहुत आसान होता है। तीसरा फायदा हमारा क्या है उसमें, कि उस पौधे को जैसे आपने वो जो तस्तरी या प्लास्टिक ट्रे जिसको बोलते हो, सीधे पौधे के निकालोगे तो मिट्टी पूरी लगी रहेगी और डिस्टर्ब नहीं रहेगी, प्रो ट्रे उसको बोलते हैं, प्रो ट्रे बोलते हैं, निकाल के सीधे आप उस किसी जगह पे लगा दो। और सबसे पहली बात है कि वो जो कीड़ा खाते हैं तो उसको हम घर के अंदर, हाँ, इसी के नीचे, ये जैसे ये बना हुआ है साधारण नेट ना, सब्जी के लिए ही बना हुआ था, उसके नीचे बड़े आसानी से उसको उगा लो, प्रबंधन कर लो, उसमें से उसको सीधे उखाड़ के लगाओगे, पौधा उसी दिन से बढ़ना शुरू होता है। और जो ये वाला होता है बीज जो हम खुले में डालते हैं, बेहन डालते हैं उसकी, पहले तो उखाड़ोगे 4-5 दिन ऐसा रहेगा वो, इसके बाद फिर जा करके वो ग्रोथ करना शुरू, लेकिन मतलब 8 से 10 दिन 15 दिन अपना का बर्बाद होता है। तो वो सब्जी आपको 8 से 10 दिन पहले 15 दिन पहले होनी शुरू हो जाएगी। तो कृषि में, सब्जी उत्पादन में समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? टमाटर अभी 50-60 रुपये था कि नहीं था, जिसका निकल रहा 80 रुपये था, जिसका निकल रहा था 10 दिन पहले 15 दिन पहले चांदी थी इसकी। धनिया पत्ती 5 रुपये की इतनी मिलती थी, धनी 5 रुपये की इतनी धनिया पत्ती मिल रही थी, है ना, इतना दोबारा मन ले खोला नहीं जा, सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो सब्जी उत्पादन को हम चार जब लोग हम ग्रुप में काम करते हैं, कई लोग काम करते हैं, 4-5 लोग मिलकर, लेकिन ध्यान रखो कि एक विचारधारा के लोग हों। जब भी समूह में आप काम करें तो हमेशा एक परख लें, सामने वाला लालची है कि नहीं है,
पता लगे हम काम करना शुरू करें और बाद में किसी की राजनीति चलने लगे, वो ज़्यादा कमा रही है, या हम अकेले काम करते तो ज़्यादा फायदा होता है ना। तो समूह में जब भी काम करना तो हमारे एक विचारधारा होनी चाहिए, एक स्वभाव वाले लोग हों। अकेले करेंगे तो कोई मार्केट हमको नहीं पहचानेगा, अकेले में मार्केट नहीं पहचानेगा। अगर हम समूह में 10-20 महिला मिलकर काम करेंगे तो मार्केट हमारे पास आएगा, हम मार्केट के पास नहीं जाएंगे। समूह में काम करो तो ये भी फायदा है, दूसरी बात प्रबंधन बड़ा आसान हो जाता है। एक व्यक्ति बीच का काम संभाले, एक व्यक्ति बाहर का काम संभाले, लोगों से मिले जुले,